What are the different types of digital resources and how we can use these resources in teaching, learning and assessment, and what is the FLN vertical and special reference to FLN and education vertical. So I'm inviting you, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Dr. Prachi, please help me out with this problem. कहाँ दूसरा device audio बंद करो? मेरा तो बंद ही है, मैम कर दो. चलो project कर दो. हाँ, please share your screen so that we can start with the presentation. कि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं समय से. तो यहाँ हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैंने सुबह अनाउंस किया था आप लोगों को. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. थोड़ा सा क्विक करेंगे ताकि हम 1:30 तक खत्म कर लें ये सेशन, क्योंकि पहले से पीछे चल रहा है. अभी कितना टाइम हो रहा है? अच्छा, ठीक है. तो हमारा क्या हम समझते हैं डिजिटल रिसोर्सेज से, तो क्या होते हैं वो? ई टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, वॉइस नरेशन, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, इमेजेस एंड ग्राफिक्स. ये या तो सिंगली एकल रूप में या कंबाइंड रूप में अगर ये हमारे पास हैं, और इससे हम कोई एक फिक्शनल या नॉन फिक्शनल मीडिया और मल्टीमीडिया नरेशन के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये डिजिटल रिसोर्सेस हैं. नेक्स्ट प्लीज. फिर यहां देखेंगे कि कितने प्रकार के डिजिटल रिसोर्सेस होते हैं. फिर आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि इनमें से कौन सा जो है जिससे आप अवगत नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आप चैट बॉक्स में लिख देंगे, ताकि हम जब प्रेजेंट करेंगे तो वो रिसोर्सेस पे, उस प्रकार के रिसोर्स पे हम ज्यादा एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बता पाए. जैसे कि इसमें है माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशन, ऑडियो, वीडियो, एडवर्टीजमेंट, इंटरएक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स. ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कॉन्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड में भी ये लिस्ट है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें. नेक्स्ट स्लाइड में एनिमेशन, कार्टून, स्लाइड शोज, टाइमलाइंस, डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट, ग्राफ्स. इसके अलावा और भी वैरायटी हो सकती है. एक बार फिर प्रीवियस स्लाइड पे जाएं ताकि हम एक बार फिर से लिस्ट देख लें. माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशंस, ऑडियो, ऑडियो के बाद है वीडियो, एडवर्टीजमेंट, इंटरएक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स के बाद एनिमेशन, कार्टून, स्लाइड शोज, टाइमलाइंस, डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स. तो ये अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज हैं. तो जो चैट में दिखाई दे रहा है इंफोग्राफिक के बारे में, एक बार स्क्रॉल करें, स्क्रॉल अप करो, किस किस प्रकार के डिजिटल रिसोर्सेज के बारे में जानकारी नहीं है. गुलशन, चश्मा, सिमुलेशन, माइंड मैप, मैं बोल देती हूँ. सिमुलेशंस, माइंड मैप्स, इंफोग्राफिक्स, फिर माइंड मैप्स ही बोला गया है, इंफोग्राफिक्स, एडवर्टीजमेंट, इंफोग्राफिक, इंफोग्राफिक, सिमुलेशन, माइंड मैप्स, इंफोग्राफिक्स, माइंड मैप्स, सिमुलेशन, माइंड मैप्स, यही आ रहा है. माइंड मैप सिमुलेशंस के बारे में ज्यादा आ रहा है. किसी एक ने एडवर्टीजमेंट के बारे में भी बोला है, सिमुलेशंस, फ्लो डायग्राम्स भी है, इंफोग्राफिक्स भी है. हाँ, ये सभी के बारे में हम प्रेजेंटेशन में शामिल हैं. एडवर्टीजमेंट मैंने नहीं इसमें शामिल किया, पर हाँ हम एक प्रोमो वीडियो दिखा देंगे. जब हम एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं, जब हम किसी चीज का प्रमोशन करते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से करते हैं. तो हमारे लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है एज the people who are working in the area of education, कि हम जैसे दीक्षा है, दीक्षा का हमें प्रमोशन करना है तो उसके लिए हम एक प्रमोशनल वीडियो बनाएंगे.
ई पाठशाला है, ई पाठशाला का हमें प्रमोशन करना है तो उसके लिए हम एक प्रमोशनल वीडियो बनाएंगे। तो ये फॉर्म ऑफ वीडियो रिसोर्सेज जो होते हैं वो एडवर्टीजमेंट होते हैं। एडवर्टीजमेंट ना कि केवल प्रमोशनल वीडियो के माध्यम से, उसका ऑडियो भी हो सकता है। जैसे जो भी हम नई चीजें करते हैं उसके लिए ऑडियो जिंगल बनाते हैं टू प्रमोट, टू एडवर्टाइज। तो इस तरीके से जो प्रमोशनल कंटेंट होता है वो एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में आ सकता है। तो क्या हम यहाँ पे एक देख सकते हैं, पहले एक प्रमोशनल वीडियो हमारे फोल्डर में होगा जरूर कोई, तो उसको प्ले करके ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। और हर प्रकार का डिजिटल कंटेंट में जरूर यहाँ आपको डेमो दूंगी, जो भी आपने लिस्ट में देखा है उसमें से ज्यादातर का डेमो है, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि क्या क्या है। सो लेट अस वॉच अ प्रमोशनल वीडियो जो एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन वो ऑडियो भी हो सकता है, वो एक टेक्स्ट एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, वो इन्फोग्राफिक के माध्यम से भी, पोस्टर के माध्यम से भी हम कोई चीज का प्रमोशन कर सकते हैं। ई पाठशाला का होगा कर? अभी बस स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया प्रमोशनल कंटेंट कैसा होता है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ऑडियो के साथ शेयर करना। शैल आई स्टॉप माय ऑडियो, इससे तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई दे। अब मुश्किल नहीं, ई पाठशाला में सब कुछ है, बस जरूरत है एक क्लिक की। एक क्लिक, एक चुटकी और आपकी मुट्ठी में होंगी ढेर सारी जानकारियाँ, कुछ मौज कुछ मस्ती। इसमें किताबें आपसे बातें करेंगी और कंप्यूटर होगा आपका दोस्त। यही नहीं, मोबाइल दिखाएगा कहानियाँ, ऑनलाइन विज्ञान से होगी मुलाकात, मोबाइल ऐप और वेबसाइट से होगी ज्ञान की बात। इसमें होगी ध्वनि, इसमें होगा दृश्य और संगीत का साथ। अध्यापक हो या अभिभावक, सच में अब मुश्किल नहीं, अब न जाए कोई छूट। ई पाठशाला क्लिक भर दू। तो हमने प्रमोशनल वीडियो का एक एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से हम किसी चीज को ऐड करना होता है तो कम समय में क्रिस्प तरीके से उसके सारे फीचर्स बता पाए। जैसे इसमें ई पाठशाला का ये प्रमोशनल वीडियो था, उसके जो भी की फीचर्स हैं, कितने सेकंड का था ये, कुछ ही सेकंड का होगा, शायद पूरा एक मिनट का भी नहीं था। तो कम समय में कैसे हम अपनी बात कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फीचर किसी भी इनिशिएटिव्स के बता सकते हैं, ये एजुकेशन में इम्पोर्टेंस है। बाकी आप जो कॉमर्शियल एड्स हैं वो टेलीविजन पे और रेडियो पे निरंतर देखते होंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को इस तरीके से पेश करते हैं कि एक टेम्पटेशन हो खरीदने का। तो जब हम भी अपने बनाई हुई चीजों का प्रमोशन करते हैं तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि उसको टेम्पटेशन हो देखने का कि आखिर इस इनिशिएटिव के तहत क्या है, ई पाठशाला है क्या और हमें उससे क्या क्या मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में एक इंफोग्राफिक का एग्जांपल है। आई वोंट रेट इट एज अ वेरी गुड इंफोग्राफिक माइंड मैप, बट
हाँ माइंड मैप में और क्या खूबियां हो सकती हैं, इसको आप उस तरीके से भी देख सकते हो कि कैसे एक अच्छा हम माइंड मैप बना सकते हैं। यहाँ कॉमन फूड ग्रुप्स इसका टाइटल है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है बल्कि ये हमने फ्री एंड ओपन सोर्स रिसोर्सेज से एक्सेस करके लिया है। ये तो इसमें देखेंगे डेयरी के रूप में, मीट के रूप में, कन्फेक्शनरीज के रूप में, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन्स, बीन्स एंड लेगमस, इस तरीके से इनका कैटेगराइजेशन किया हुआ है कॉमन फूड आइटम्स का। पर यहाँ दिखाना उद्देश्य हमारा ये कि एक माइंड मैप का जब हम स्क्रीन शॉट लेते हैं तो वैसा दिखाई देता है, अदरवाइज जब हम कोई माइंड मैप दिखाते हैं तो पहले ये जो मिडिल बार है जिसमें मेन टॉपिक लिखा हुआ होता है, उसके अलावा फिर उसमें हम चाइल्ड नोट्स और सिबलिंग नोट्स को ऐड कर करके ऐसे उसको और कैटेगराइजेशन फर्दर करते हैं कॉन्सेप्ट का, सब कॉन्सेप्ट्स में और सब सब कॉन्सेप्ट्स में। इसमें जैसे देखें ये एक डेयरी कॉन्सेप्ट है, मीट एक कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड जो है कन्फेक्शनरीज हैं, वाटर है, वेजिटेबल्स, फ्रूट ये, और फिर इनको हम फर्दर कैसे बाइफर्केट कर सकते हैं। माइंड मैप का प्रयोग हम एक लेसन को प्रेजेंट करने के लिए भी कर सकते हैं ताकि उसमें कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम अनफोल्ड करते हैं, एक साथ सारी इंफॉर्मेशन पेश नहीं करते हैं बल्कि धीरे धीरे जो हमारा प्लान है, टीचिंग प्लान है, उसको हम अनफोल्ड करके उनके सामने पेश करते हैं। ठीक है, तो ये एक माइंड मैप का एग्जाम्पल है और माइंड मैप कैसे बनते हैं इसका डेमो आपको दिया जाएगा, तो उसके बारे में अभी यहाँ हम प्रश्न नहीं करेंगे बल्कि देखेंगे कि वैरायटी क्या है और उद्देश्य वैरायटी दिखाना है आपको। एक माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर जो मैं मेरे जो दो सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग मैं करती हूँ, फ्री प्लेन और फ्री माइंड, ये दो सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम इस तरीके के माइंड मैप्स बना सकते हैं। बाकी माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा और सभी मोर ऑर लेस एक तरह से ही फंक्शन करते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं। और जो भी हम डेमो देंगे वो सब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री प्लेन फ्री माइंड भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इनके नाम चाहे तो लिख दीजिए। और जो डेमो दिया जाएगा, कौन सा डेमो दे रहे हैं हम इस बार माइंड मैप के लिए गुलशन, किस सॉफ्टवेयर का? विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, विजुअल अंडरस्टैंडिंग वीयू एक ऐप है, वो डेमो दिया जाएगा जो कल होगा आपका प्रोबेबली। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद यहाँ हम देखने जा रहे हैं क्योंकि इन्फोग्राफिक बहुत लोगों ने किया, तो इन्फोग्राफिक भी है ये और इसको हम फ्लो डायग्राम भी कैटेगराइज कर सकते हैं और इसको एक इन्फोग्राफिक की तरीके से भी हम देख सकते हैं, कई चीजें ओवरलैपिंग होती हैं। इन्फोग्राफिक है जहां इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक के कॉम्बिनेशन से जब हम कोई इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं तो वो इन्फोग्राफिक है, ग्राफिक्स यानी कि चित्र प्लस इंफॉर्मेशन। लेकिन ये वाला जो स्पेसिफिक मैं आपको दिखा रही हूं इसमें एक फ्लो भी है, तो इसीलिए हम इसको एक पिक्टोरियल फ्लो डायग्राम भी कह सकते हैं, इट्स अ पिक्टोरियल फ्लो डायग्राम प्लस इन्फोग्राफिक, तो इसको हम देख सकते हैं। ड्राइव खोली हुई है तभी ये ओपन होगा, ओपन हो रहा है शायद। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं और ये FLN का कंटेंट है और जिसमें लर्निंग आउटकम ये है, क्लास 3 के लिए है ये, EVS के लिए, और लर्निंग आउटकम आप टॉप पे देख सकते हैं, दी लर्नर आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप्स विद एंड अमंग फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर के साथ रिलेशनशिप और उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है ये बच्चा आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए इन्फोग्राफिक है। इन्फोग्राफिक अपने आप में एंड नहीं है, टीचर इसको प्रोजेक्ट करके इसके अराउंड डिस्कशन बिल्ड करेगा स्टूडेंट्स के साथ। कोई भी डिजिटल रिसोर्स अपने आप में कंप्लीट रिसोर्स नहीं है कि हमने दिखा दिया दे दिया और बच्चा सीख जाएगा, वी हैव टू एंगेज द चाइल्ड विद द डिजिटल कॉन्टेंट
एंड इट अप्लाइज टू दिस इन्फोग्राफिक ऑल्सो. इसमें आप देखेंगे एक तीन फैमिली ट्री है. तीन क्यों है, एक ही फैमिली ट्री हमने क्यों नहीं बनाया, उसका जस्टिफिकेशन मैं आपको बाद में दूंगी. तो यहाँ हम देख रहे हैं एक रानी का फैमिली ट्री है जिसमें दादा दादी है और नाना नानी. ठीक है, रानी के दादा दादी, नाना नानी. अब इनके बीच क्या रिलेशनशिप है ये हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. दादा दादी भी हस्बैंड वाइफ है, नाना नानी भी हस्बैंड वाइफ है, लेकिन इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, दैट नीड टू बी डिस्कस्ड बाय द टीचर. फिर इनके सिबलिंग्स कौन है, सिबलिंग्स नहीं ऑफ स्प्रिंग्स कौन है, इनके बच्चे कौन है. रानी की बुआ दादी की बेटी है और रानी के पापा जो हैं वो भी दादा दादी के बच्चे हैं, और फूफा जी उनके हस्बैंड हैं, और जो मम्मी है रानी की वो उसके पापा की पत्नी है. इसके अलावा इनके ऑफस्प्रिंग जो है, बुआ और फूफा जी का बच्चा जो है वो कजन है रानी का. इसी तरह से जो उसके मम्मी पापा के ऑफस्प्रिंग में रानी खुद है और उसका ब्रदर है, जो दोनों आपस में भाई बहन है. इसी तरह से जो नाना नानी के ऑफस्प्रिंग में रानी की मम्मी आ जाती है, मामा मामी आ जाते हैं, और मामा मामी का जो ऑफस्प्रिंग है बच्चा है वो रानी का कजन लगता है. तो इस तरीके से हमने एक फैमिली के माध्यम से उनका रिलेशनशिप दिखाया, जिसमें बुआ लिया हमने, मामा लिया, और उनके कजन के साथ क्या रिलेशनशिप है ये लिया. लेकिन अभी भी हमने मौसी वाला रिलेशनशिप इसमें नहीं है, चाचा और ताऊ वाला रिलेशनशिप इसमें नहीं आया है. तो उसके लिए फिर अलग एक फैमिली ट्री हम दिखाते हैं. नेक्स्ट फैमिली ट्री, यहाँ फिर एक शालिनी कैरेक्टर है जिसका फैमिली ट्री है, जिसमें फिर दादा दादी, नाना नानी है. तो यहाँ ताऊ जी और ताई जी हैं, मम्मी पापा हैं, जो पापा के बड़े भाई हैं वो ताऊ जी हैं, ये हमें डिस्कस करके बताना है. उनके बच्चे कजन हैं. इसी तरीके से जो मम्मी है वो नाना नानी की बेटी है, और उनके मामा मामी हैं और कजन है. तो ये है. अगला हम फैमिली ट्री लेंगे तो इसमें चाचा चाची आ गए, यानी कि पापा के छोटे भाई, जो कि राजू का फैमिली ट्री है. और मम्मी है, मम्मी की सिस्टर मौसी है, उनके पति मौसा जी हैं, और उनके ऑफस्प्रिंग है. अगर हम ये एक इन्फोग्राफिक के माध्यम से दिखाते तो इसमें हमें नाना नानी और दादा दादी की बड़ी फैमिली दिखानी पड़ती, जिसमें मोर देन टू चिल्ड्रन होते. लेकिन ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, जिसमें हमें एडहर करना है स्मॉल फैमिली नॉर्म को, कि जब भी हम किताबों में या कहीं भी एजुकेशनल माध्यम से कॉन्टेंट दिखाएंगे तो वहां हमें स्मॉल फैमिली नॉर्म को फॉलो करना है, कि छोटा परिवार ये एक कोर जो कॉम्पोनेंट्स हैं करिकुलम के, उसमें भी है, और अदरवाइज भी हमें इसको ध्यान में रखना होता है. इसीलिए तीन फैमिली ट्री के माध्यम से हमने ये डील किया जो लर्निंग आउटकम है, ताकि हम दो से अधिक बच्चे भी नहीं दिखाएं एक परिवार में, चाहे वो दादा दादी नाना नानी के बच्चे हों या जो भी दूसरे उनसे निकले हुए रिलेशनशिप्स हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स हों. तो ये एक इन्फोग्राफिक प्लस फ्लो डायग्राम भी है, क्योंकि इसमें फैमिली का एक फ्लो दिखाया गया है. नेक्स्ट प्लीज. ये एक टाइमलाइन का उदाहरण है, जो मैंने सुबह की प्रेजेंटेशन में भी पॉलिसी डायरेक्शंस का एक दिखाया था आपको, जो एक मेज की तरह बना हुआ टाइमलाइन था. जहां भी कहीं हमें क्रोनोलॉजी डिस्कस करनी होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वो क्रोनोलॉजी हमारे दिमाग में जल्दी रजिस्टर होती है. अगर हम पिक्टोरियल टाइमलाइंस के माध्यम से उसको दिखाएं तो हमें वो क्रोनोलॉजी का फ्लो हमारे दिमाग में जल्दी स्टैब्लिश होता है. तो इसीलिए टाइमलाइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसको माध्यम से हम क्रोनोलॉजी दिखा सकते हैं. तो इसमें भी हम देखेंगे कि क्रोनोलॉजी. नेक्स्ट प्लीज. ये एक डायग्राम का उदाहरण है, जिसमें वॉटरफॉल का चित्र आप देख सकते हैं.
तो ये हम ये बताने के लिए कि वॉटरफॉल फॉर्मेशन कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए हम डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं जहां हमें डायग्राम के माध्यम से कोई चीज एक्सप्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि जो लैंड फॉर्म फॉर्मेशन ज्योग्राफी में जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि लैंड फॉर्म्स जो है अलग अलग भू आकृतियां हैं, भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, तो हम सभी जानते हैं कि इन भू आकृतियों का निर्माण, इनकी प्रक्रिया सदियों में निर्मित होते हैं भू आकृतियां, लेकिन उनको हम 35, 40, 45 मिनट के पीरियड्स में अगर वर्बली एक्सप्लेन करें तो शायद ये हमें एक्सप्लेन कर पाना, समझा पाना संभव नहीं हो पाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है, क्योंकि ये हम घटित होते हुए नहीं देख सकते कि भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है। तो ऐसे में डायग्राम के माध्यम से या स्मॉल सिंपल एनिमेशन के माध्यम से अगर हम ये दिखाएंगे तो बच्चे के दिमाग में ये जल्दी रजिस्टर होता है और एक्सप्लेन करने में समय भी कम लगता है। जैसे कि ये वॉटरफॉल यानी कि झरने के निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें टॉप पे दिखाई गई है वॉटर है, हार्ड रॉक के ऊपर से जो फ्लो हो रहा है बह रहा है, और नीचे वाली जो चट्टान है रॉक है वो सॉफ्ट रॉक है, और सॉफ्ट रॉक क्योंकि सॉफ्ट है तो इसकी अंडर कटिंग फास्ट होती है, और एक समय अंतराल के बाद जो हार्ड रॉक का छज्जा सा बन जाता है सॉफ्ट रॉक के ऊपर, और जब उसके ऊपर वॉटर का प्रेशर जो बहुत तेजी से पड़ता है तो वो छज्जा भी टूट जाता है। तभी हमने देखा है कि जितने भी झरने हैं, झरनों के नीचे बहुत सारी हुए टूटे हुए चट्टाने हमें देखने को मिलती हैं। अब शायद मुझे एक मिनट लगा होगा आपको झरने की प्रक्रिया का कैसे निर्माण होता है वो प्रक्रिया एक्सप्लेन करने में, और इसमें अगर हम प्रॉपर लेबलिंग करते हैं तो वो और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो इसी तरह से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम डायग्राम के माध्यम से, और इसके ऊपर छोटे छोटे एनिमेशन भी उपलब्ध हैं। अगर आप YouTube पे देखेंगे वॉटरफॉल फॉर्मेशन एनिमेशंस, तो ये और भी 30 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा देख के कि वॉटरफॉल का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये कार्टून का एक एग्जाम्पल है, जैसे हम इवोल्यूशन ऑफ स्पेशीज कैसे होता है, जो हमारी अलग अलग प्रजातियां हैं, चाहे वो जानवरों की प्रजातियां हैं या ह्यूमन बीइंग भी कैसे इवॉल्व हुआ। ये एक बहुत कठिन कॉन्सेप्ट है, जो डार्विन का सिद्धांत है वो इसके पीछे है कि किस तरीके से इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। तो इस कठिन कॉन्सेप्ट को कक्षा के सामने पेश करने के लिए बहुत हम हल्के फुल्के तरीके से पेश करके फिर कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कार्टून है जिसमें डायनासोर का चित्र एक पेड़ के ऊपर टंगा हुआ है, और जो दूसरे जानवर हैं वो उस चित्र को देख रहे हैं, और चित्र में कैप्शन है मिसिंग सिंस अ बिलियन ईयर्स, तो बिलियन ईयर्स से ये जानवर मिसिंग है, और देख सकते हैं कि आश्चर्यचकित होके किस तरह से और जानवर इसको देख रहे हैं। तो कैसे कुछ प्रजातियां जो हैं धरती से विलुप्त तो हो जाती हैं, और किन कारणों से होती हैं, ये सारे प्रोसेसेस, और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उसका भी हम जो उदाहरण है वो इनके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट। यहाँ एक कॉमिक स्ट्रिप का उदाहरण है, और ये बिल्कुल आसान है इनको बनाना। जो पावर पॉइंट आप यूज करते हैं, पीपीटी बनाना आप सभी जानते हैं, पीपीटी सॉफ्टवेयर में ही ये प्रोविजन होता है कि हम ऐसी कॉमिक स्ट्रिप बना सकें। आपको क्या चाहिए, जो आप कॉमिक चाहते हैं उसका चित्र आपको चाहिए। जैसे हम स्लाइड में कोई भी चित्र लगाते हैं या ग्राफिक लगाते हैं, उसी तरह से आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये लगा देना है। इसके साथ अगर आप कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो वो म्यूजिक भी आप लगा सकते हैं। आप कितनी देर बाद एक जो कार्टून है उसको बदलना चाहते हैं वो टाइम हम इसमें सेट कर सकते हैं, जो कि प्रोविजन है। और लास्ट में जो हमें इसको सेव करना होगा, जैसे हम पीपीटी बना के सेव करते हैं तो ऑप्शन आता है सेव एज, कि हमें क्या किस तरीके से सेव करना चाहते हैं, पीपीटी सेव करना है, पीडीएफ सेव करना है, या वीडियो का भी ऑप्शन होता है। अगर हम उसको एज वीडियो सेव करते हैं
तो इसके उसमें जो है इस तरीके से फिर ये वीडियो की तरह सेव हो जाएगा जो आप अभी प्ले होता हुआ देखेंगे. तो ये हम देखेंगे एसिडिटी के ऊपर एक कॉमिक स्ट्रिप है. थोड़े थोड़े समय बाद इसमें ये स्लाइड चेंज हो जाएंगी. ये बच्चे को एसिडिटी हो रही है और ये लड़की के सामने एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे क्या फीलिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है स्टमक में. तो लड़की पूछती है बर्निंग सेंसेशन, दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी. तो लड़के को बहुत आश्चर्य होता है एसिडिटी. लड़की उसको एक्सप्लेन करती है यस इफ यू हैव एक्सेस एसिड इन योर स्टमक तो तुम्हें बर्निंग सेंसेशन स्टमक में फील हो सकता है अगर बहुत ज्यादा एसिड आपके स्टमक में बन गया है. तो अगर हम नेक्स्ट मूव करेंगे कॉमिक स्ट्रिप के नेक्स्ट पार्ट पे तो देखेंगे कि आगे क्या है. यहाँ है एसिड इन स्टमक बट एसिड्स आर कोरेसिव. एसिड तो कोरेसिव होते हैं जिससे कि हमारे स्टमक को क्षति पहुंच सकती है. तो लड़की बोलती है यस यू आर राइट इवन अ ड्रॉप ऑफ एसिड फ्रॉम आवर स्टमक जो हमारे स्टमक में बनता है अगर हम उसको एक लकड़ी के पीस पे रखें तो वो उससे एक होल भी हो सकता है लकड़ी में, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो ये लड़का बोलता है ओह इफ द एसिड इन आर स्टमक इज सो पावरफुल व्हाई इट डज नॉट मेक होल इन आर स्टमक. तो हमारे स्टमक में क्यों नहीं छेद होता है अगर ये इतना पावरफुल होता है एसिड. तो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फिर पेश किया जाता है जो है कि हमारे स्टमक में हम एपिथीलियल सेल्स हैं जो हमारी एपिथीलियल सेल्स हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती हैं क्षय होने से, उसको क्षति होने से, क्योंकि इनमें से एक म्यूकस निकलता है जिस म्यूकस से हमारे स्टमक की वॉल्स कवर हो जाती हैं और एसिड उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता. तो नेक्स्ट पार्ट में कॉमिक स्ट्रिप की आप ये देखेंगे कि किस तरीके से एपिथीलियल सेल के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि दे प्रोड्यूस म्यूकस दैट कोट द इनसाइड वॉल ऑफ द स्टमक व्हिच प्रोटेक्ट्स आवर स्टमक फ्रॉम एसिड. तो कैसे इससे छुटकारा पाएं, तो लड़की बताती है उसको एक रेमेडी कि एक अगर आप ठंडा ग्लास दूध का पी लें तो इससे हमें एसिड से राहत मिलेगी क्योंकि मैग्नीशियम होता है दूध में, तो उससे हमें एसिडिटी से राहत मिलेगी. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट को छोटे से कॉमिक स्ट्रिप के माध्यम से हम पेश कर सकते हैं. ये आप अपनी पसंद के और भी कॉन्सेप्ट ऐसे उनका चयन कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से ऐसी कॉमिक स्ट्रिप्स का आप निर्माण कर सकते हैं. बच्चों की ड्राइंग भी हो सकती है. ये ड्राइंग ऐसा नहीं है कि बहुत किसी प्रोफेशनल बनाने वाले ने इनको बनाया हो, इसको कोई भी बना सकता है. किसी भी प्रकार के आप कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से ये ड्राइंग्स बना के कॉमिक स्ट्रिप निर्माण कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे ये छोटा सा सिमुलेशन है. सिमुलेशंस के और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अमीबा जो एक सिंगल सेल मैकेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है. तो यहाँ हम देखेंगे कि कहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम है और वो किस किस तरीके से अमीबा के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं और किस तरह से एक्सट्रैक्ट भी फूड का जो वेस्ट है वो भी अमीबा से बाहर निकल जाता है. तो ये नेक्स्ट सिमुलेशन का यहाँ हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें ये आप देखेंगे. एक सेकेंड, इसको थोड़ी देर स्टॉप कर दें ताकि इसके बारे में बता दें. जो एनसीईआरटी की बुक्स में मैंने फिजिटल आपको इनिशिएटिव बताया था, हालांकि हाँ एक उसका भी स्क्रीन कास्ट बनवा लेना किसी का. हाँ, तो अगर हम एक स्कैनर ऐप से स्कैन करते हैं किसी भी इमेज को जो उस तरह से डिजाइन होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी इमेज ऐसे हो जाएगी,
उसको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बनाना होता है, वही इमेज स्कैन होके 3D में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक सिमुलेशन का एग्जाम्पल है। सिमुलेशन एक ब्रॉडर टर्म है, सिमुलेशन के अंदर बहुत सारे तरीके के कंटेंट आते हैं। ये एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कंटेंट है, VR भी सिमुलेशन के अंदर आता है, जहां भी हमें 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। तो सिमुलेशन किसी भी कॉन्सेप्ट की, रियल तो नहीं जिनको हम रियलिटी में नहीं देख सकते, बट बहुत नियर टू रियल, जो रियलिटी के, वास्तविकता के काफी करीब पिक्चर इनके माध्यम से हम देख सकते हैं। ये एक क्यूअर ऐप है, QUIVER लिख दीजिए, क्यूअर। क्यूअर जो ऐप है उसके माध्यम से हम ये जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का ये चित्र है, इसको हम स्कैन करेंगे तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, और वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे फटता है, और उसका जो अंदर का ये है शेप है वो कैसी है, वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। ये शीट जो है क्यूअर वेबसाइट है, उसपे बहुत सारी पेड शीट्स भी उपलब्ध हैं और फ्री शीट्स भी उपलब्ध हैं। तो हम वहां से प्रिंट ले सकते हैं, क्यूअर ऐप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से और स्कैन करेंगे तो हम 3D विजुअलाइजेशन उन कॉन्सेप्ट्स का देख सकते हैं जो क्यूअर वेबसाइट पे जिनकी शीट्स उपलब्ध हैं। ये एक वॉल्केनिक वॉल्केनो का स्केच है। अब इसको, ये मैंने वीडियो बनाया ताकि यहाँ डेमो में दिक्कत हो सकती है जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए वो प्रक्रिया का वीडियो बना लिया। अब आप देखेंगे कि मोबाइल से ये स्कैन हो रहा है और किस तरह से ये एक 3D में कन्वर्ट हो जाता है, और एक हम नियर टू रियल इमेज देख सकते हैं, देख सकते हैं वॉल्केनिक एरप्शन का। प्ले कर लें। साउंड के साथ करें। साउंड सुन रहा है ना सबको? विशाल को बोलो। गुलशन साउंड आ रहा है इसमें? ये दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि साउंड भी आप सुन पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जब भी हमें कोई जटिल प्रक्रियाओं को दिखाना होता है जिसको हम वास्तविकता में नहीं देख सकते, तो हम सिमुलेशन और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कंटेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले प्लैनिटोरियम अगर विजिट किया है
तो वो यूनिवर्स के पार्ट्स का सिमुलेशन ही है। यूनिवर्स हम सब तो नहीं देख सकते, केवल एस्ट्रोनॉट्स देख सकते हैं, लेकिन पर नियर टू रियल यूनिवर्स के पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं, किस तरह से सोलर सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है, पृथ्वी कैसी है, चंद्रमा कैसा है, ये सारी चीजें हम सिमुलेशन के माध्यम से प्लैनिटोरियम्स में भी देखते हैं। और अभी ऐसे एप्स भी हैं जिनसे हमें स्काई व्यू एक ऐप है, अगर हम उसको कर लेंगे तो उसमें भी हमें यूनिवर्स के पार्ट्स को हम देख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स अनंत है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम पूरा यूनिवर्स देख सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं, लेकिन जहां तक मानव की पहुंच है और उनका सिमुलेशन हम जरूर देख सकते हैं। ये एक इमेज का एग्जाम्पल है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे किचन यूटेंसिल्स, रसोई के बर्तन इसमें छुपे हुए हैं। तो ये एक गेम का गेमिफिकेशन भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे इसमें से छांटें की और उनके नाम बताएं, लेबलिंग करें कि क्या क्या यूटेंसिल्स इसमें छिपे हुए हैं। अगली स्लाइड अगर हम देखेंगे तो उसमें एक ये बहुत सारे खेल के जो उपकरण हैं वो इसमें आपको छिपे हुए दिखाई देंगे। हम इनके नाम भी कर सकते हैं और इनसे खेले जाने वाले खेलों पर भी हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगला स्लाइड। तो हम जहां जब कभी भी हम कहीं जाते हैं तो हम बहुत सारे फोटोज भी क्लिक करते हैं। कभी हम पर्सनल ट्रिप पे भी जाते हैं तो हम फोटो खींचते हैं। अगर हम कहीं एनिमल सेंचुरीज में जा रहे हैं तो हम एनिमल्स के, बर्ड्स के वहां से फोटो खींचते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स अगर हम विजिट कर रहे हैं तो हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के फोटोज खींचते हैं। इन फोटोग्राफ्स को भी हम एक बहुत अच्छे लर्निंग रिसोर्स के रूप में बदल सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के फोटोग्राफ हैं जो कैमरा से खींचे गए हैं। उन पे थोड़ा रिसर्च किया कि ये बर्ड और एनिमल का नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, और इनकी अगर कुछ माइग्रेटरी हैबिट्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर ये माइग्रेशन करते हैं तो वो हैबिट क्या है माइग्रेटरी, वो रिसर्च करके फोटोग्राफ्स को ही कन्वर्ट कर दिया गया है एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में। तो इसी तरह से जैसे हमारे समय में स्टैम्प कलेक्शन, जो डाक टिकट का कलेक्शन एक हॉबी हुआ करती थी, अगर हम इन डाक टिकटों को भी गौर से देखें तो इनमें भी बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है जो विभिन्न विषयों के साथ हम मैप कर सकते हैं। तो इन्हें भी थोड़ा रिसर्च करके हम बहुत अच्छा लर्निंग रिसोर्स बना सकते हैं, जो CIT NCERT ने किया भी है। मुझे पता नहीं अभी फोल्डर में वो रिसोर्स है या नहीं है। पहले हम ये देखते हैं, फिर एक डाक टिकट का भी एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसको स्क्रॉल कर दें ताकि आइडिया है कि एक उसके बारे में आपको बताना, ना कि पूरे 5 मिनट का रिसोर्स सारे एनिमल बर्ड्स हम ये शेयर करेंगे। तो ये कॉपर स्मिथ बार्पेट नाम की बर्ड है, तो पिछले इसमें देखी हमने। अगली स्लाइड में उसका भी छोटा सा फोटो है ताकि हमें पता चले उसका साइंटिफिक नेम क्या है, अल्टरनेटिव नेम क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, कैसे हैबिटेट में वो रहती है। और यहाँ माइग्रेटरी हैबिट नहीं है तो माइग्रेटरी हैबिट नहीं दिखाई गई है। इसी तरह से आगे अगर हम स्क्रॉल करें यहाँ माइग्रेशन दिखाया गया है कि ये जो ब्लू चीक्ड बी ईटर नाम की बर्ड है जिसका साइंटिफिक नेम मेरोपस पर्सिकस है, तो इसकी माइग्रेटरी हैबिट्स क्या है। इट इज जनरली स्ट्रॉन्गली माइग्रेटरी, विंटरिंग इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, विंटर्स में ये ट्रॉपिकल अफ्रीका में रहती है। एंड ऑल्दो सम पॉपुलेशन ब्रीड एंड लिव ईयर अराउंड इन दी सेहल, तो ये इसके माइग्रेशन के बारे में है।
तो ये हमने देखा कि कैसे हम फोटोग्राफ्स को भी एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक बार हम एक डार्क टिकटों का भी देख लेते हैं कि कैसे डार्क टिकटों को भी हम एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये इसमें पोस्टल स्टैम्प्स किस तरह से शुरुआत हुए, थोड़ा उनकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी है. उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक पोस्टल स्टैम्प है जो अभिज्ञान शाकुंतलम का एक चित्र जिसमें डिपिक्ट किया गया है. और अगले साइड पे अगर हम जाएं, इसी से नेक्स्ट पे जाना, इसके बारे में, जिसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है, इसका संदर्भ क्या है डाक टिकट का. तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 1963 में डाक टिकट जारी किया गया था और इसकी डेट ऑफ इशू 2 फरवरी 1993 थी. और इसका डिस्क्रिप्शन है, ये कोमोमेरेटिव स्टैम्प है विच हैज बीन रिलीज बाय इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 2 फरवरी 1966 टू कोमोमरेट, उनकी याद में, पोएट कालिदास की याद में इसको लॉन्च किया गया था. इसके बाद है, ओरिजिनली स्टैम्प वॉज डिजाइंड फॉर इंडिया, दी सीन फ्रॉम दी शाकुंतला इज अ पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा. राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है ये, इस पर आधारित ये पोस्टल स्टैम्प है. इट डिपिक्ट्स द इंसिडेंट ऑफ शकुंतला राइटिंग अ लव लेटर टू हर बिलवेड दुष्यंत इन द मिडस्ट ऑफ सेल्वन ब्यूटी ऑफ द हेरमिटेज ऑफ हर अडॉप्टेड फादर किंग कर्ण. तो कर्ण किंग के सेज जो थे, ऋषि थे, कण्व ऋषि, उनके आश्रम में उसने ये पत्र दुष्यंत के लिए लिखा था जब वो उससे गंधर्व विवाह करके अपने राज्य में वापस चले गए थे. तो इस पर एक श्लोक भी है जो इस घटना के ऊपर आधारित श्लोक कालिदास ने जो लिखा था वो भी यहाँ पे है. तब न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापी रात्रिमपी निर्घण तव तपति बलियत त्वयी व्रत मनोरथाया अंगानी. तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं कि ये क्या इसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से उनके वियोग से शकुंतला पीड़ित है और उनको एक चिट्ठी लिखती है. तो संस्कृत जैसे विषय में भी देखें तो आपको एक स्टैंप मिल गया. आगे हम देखें तो और हमें डाक टिकट इस रिसोर्स में देखने को मिलेंगे. हम उसको देख सकते हैं. अब ये एक ग्राफिक बेस्ड एनिमेशन का एग्जाम्पल है. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि. लेट्स टॉक अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स. वी ऑल सी ट्रैफिक सिग्नल्स व्हेन वी आर ऑन द रोड.
What do you think these traffic signals are for? बस इसको भी traffic signals help everyone using the road to know when they have to stop. Three lights of amber or yellow special meaning. It means pedestrians must have stopped to man on the green, flashing green or red. And we always remember safety. Hi friends, my ये इंटरैक्टिव गेमीफाइड कंटेंट का एग्जांपल है और ये किस सॉफ्टवेयर में बनते हैं वो सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा. H5P है सॉफ्टवेयर का नाम. वी कैन राइट हियर. जो अभी हम कंटेंट देखेंगे वो H5P से बना है और H5P का आपको डेमो दिया जाएगा. ये ग्राफिक बेस्ड एनिमेशन था. अगर हमारे पास ये एनिमेटेड चित्र उपलब्ध है तो पावर पॉइंट में भी बन सकता है. अदरवाइज जो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं उसमें बनता है. एक स्टॉप मोशन एनिमेशन, इट इज वन फॉर्म ऑफ एनिमेशन. तो यहाँ हम सारे तरीके 5 दिन के अंदर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो आगे आने वाले दिन है उसमें आपको एक मोबाइल ऐप के माध्यम से स्टॉप मोशन एनिमेशन बनाना बताया जाएगा, क्योंकि एनिमेशन के भी विभिन्न प्रकार होते हैं. किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी क्रिएट दिस एनिमेशन. मंजीत सिंह जी ने पूछा है ये सवाल. तो ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा जब आपको एक्चुअल डेमो दिया जाएगा. ये हम अब इंटरैक्टिव कॉन्टेंट देख रहे हैं. इसको आप पूरा देखें ताकि सभी विषयों का आप एक एक एग्जाम्पल देख पाए. तराजू पर रखे हुए सामान को तोलने के लिए उतने भार के बाट को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखें. दोबारा प्रयास करें. बहुत अच्छे. अरेंज नंबर्स ऑन द लैडर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. वेल डन. वेल डन. Well done. Well done. Well done. देखें कल पर क्लिक करें. विकसित हुई उनके कपड़े ईट. ओ भैया ने बहुत अच्छे. तो ये H5P सॉफ्टवेयर से बने गेमीफाइड इंटरैक्टिव कंटेंट है. तो इनका स्क्रिप्ट कैसे बनता है ये अगला जो सेशन होएगा 4 बजे, आज 4:45 बजे 3:45, उसमें उनकी स्क्रिप्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कंटेंट की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं. तो अब आता है कि ये डिजिटल रिसोर्सेज जो हैं इनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं क्लास में. आपने अलग अलग फॉर्म के डिजिटल कंटेंट की लिस्ट देखी, एग्जांपल्स देखे. हम प्री लेसन कर सकते हैं टू जेनरेट इंटरेस्ट इन टीचिंग लर्निंग. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार्टून का जो डायनासोर पर आधारित था, उसको हम प्री लेसन करके डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा सकते हैं. पाठ के मध्य में भी कुछ टाइप के ई कॉन्टेंट है जिनको हम लेसन के बीच में जिनका प्रयोग कर सकते हैं. और कुछ कॉन्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनका हम कक्षा पढ़ाने के बाद एक क्लास को
हम बाद में बोल सकते हैं लर्निंग और स्ट्रेंथन करने के लिए कि इससे रिलेटेड ये रिसोर्सेस और हैं, या हम उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। खास करके जब हमारा कोविड वाला पीरियड था तो उसमें ये डिजायरेबल नहीं था कि हम पूरे 8 घंटे, जैसे स्कूल लगता है 7-8 घंटे, 7-8 घंटे बच्चे और टीचर्स क्लास लगा के बैठे, जो प्रैक्टिस में बहुत सारे स्कूलों ने किया भी था जहां ऑनलाइन की सुविधा थी। ये उद्देश्य नहीं है। स्क्रीन टाइम एज के हिसाब से होना चाहिए बच्चों का, और 11वीं-12वीं के बच्चों के लिए हम 4 घंटे का स्क्रीन टाइम रख सकते हैं। प्राइमरी के बच्चों के लिए हम 8 घंटे ऑन स्क्रीन उन्हें नहीं बिठा सकते। तो ऐसे में हमें ये डिजाइन करना है कि हम कैसे एक फ्लिप्ड लर्निंग का जो मॉडल है उसका प्रयोग करें, बच्चों के साथ रिसोर्स शेयर करें। तो प्री लेसन रिसोर्स का ये एक उदाहरण है। बच्चे उस रिसोर्स को देखकर आए, और जब आप स्क्रीन पर हो सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन में हम बच्चों के साथ हैं, तो हम उस रिसोर्स से उठे प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं। चर्चा के दौरान हो सकता है हमें कहीं और कुछ रिसोर्स दिखाना पड़े लर्निंग स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वो मिड लेसन रिसोर्स होगा, और उसके बाद लर्निंग को फर्दर कंसोलिडेट करने के पोस्ट लेसन रिसोर्स को भी हम शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्लासरूम प्लान में इंटीग्रेट कर सकते हैं लर्निंग रिसोर्सेस। नेक्स्ट पे जाए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ डिजिटल रिसोर्सेस एंड द एग्जाम्पल्स यू हैव ऑलरेडी सीन। आप लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे, उनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं प्री मिड एंड पोस्ट लेसन। आने वाले दिनों में आपकी लर्निंग इसी प्रेजेंटेशन पर बेस्ड होगी, ताकि यही वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज आप देखेंगे कि इनको किस तरीके से इनका निर्माण आप कर सकते हैं, कैसे इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अब लंच से हम ज्यादा अधिक दूर नहीं रखना चाहते हैं। आप लंच के लिए ब्रेक हो जाएं। अभी आई एम हैंडिंग इट ओवर टू डॉक्टर प्राची। थैंक यू सो मच मैम इस प्रेजेंटेशन के लिए। एंड हमने देखा कि किस तरीके से हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज various types of digital resources and how we can use these resources in our lesson plan and इस training में 5-day training में हम किस type के resources सीखेंगे बनाना, उनकी briefing सीखेंगे, उनको use करना सीखेंगे और उनको create करना सीखेंगे। तो thank you so much ma'am इतना informative session के लिए। and now we will have a break for lunch and we will be back at 1:55